हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सानिया। तो आज मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म्स फिल किए थे और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे पास एक मेरिट लिस्ट आनी थी आज, वो मेरिट लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आएगी। प्लीज़ कोई भी उसके बारे में नहीं पूछेगा। DHE ने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। जो आपको एडमिशन्स होंगे आपके या नहीं होंगे वो आपको कब पता चलेगा वो मैं आपको इस नोटिस के अंदर बताती हूँ, लेकिन ये श्योर है कि आज आपके पास गूगल फॉर्म्स जो आपने फिल किए थे उसके बेस पर, मतलब कॉलेज बेस्ड एडमिशन्स के बेस पर, कोई भी हमारे पास मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। आपको आज पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, कॉलेजेस ने आप लोगों को एडमिशन ऑफर किया है या नहीं ऑफर किया है। तो ये नोटिस खोला है मैंने, थर्ड काउंसलिंग फॉर सेंट्रलाइज कोर्सेज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। DHE ने जो पहले शेड्यूल दिया था ना उससे थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया है। तो वो फॉर्मेट क्या है वो हमारे काम की चीज़ है और देखते हैं। द नंबर वन मैं क्रॉप करती हूँ, देखिए आप लोगों के लिए। एप्लीकेंट्स इफ ऑफर्ड एडमिशन बाय द कॉलेजेस विल गेट नोटिफिकेशन देयर अकाउंट। मतलब आज कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी 17 डेट को, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ है। आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको कल पता चलेगा 18th ऑफ सेप्टेम्बर को 2 बजे। कैसे पता चलेगा? जो DHE की मेन साइट है उस पर जाकर आपको लॉग इन करना है। अपना यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉग इन करते हैं, आपके फॉर्म के अंदर मैंशन हो जाएगा कि आपका जो एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपको कॉलेज ने सीट ऑफर की है या नहीं ऑफर। तो बात करते हैं जिन बच्चों की कॉलेज में कॉलेज ने सीट ऑफर उन्हें कर दी है। फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज ने कोई सीट ऑफर नहीं की है तो आप वेट कर सकते हैं जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आता या फिर नीट का रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बच्चे जब सीट छोड़कर जाएंगे तभी आपको एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज अब आप चांसेस बिल्कुल नहीं है कि आपका एडमिशन हो। अगर आपको कॉलेजेस ने ऑफर किए सीट तो वेल एंड गुड, आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत की वजह से कॉलेजेस ने आपको सीट ऑफर की है। तो जब आपने ऑफर की है उसके बाद भी हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो हम कॉलेजेस को जो सीट ऑफर किए हैं उसे एक्सेप्ट कर लें, या फिर अगर हमें कॉलेजेस या फिर जो हमें कॉलेजेस ने सीट ऑफर की है हम उन्हें रिजेक्ट कर दें। तो ये एक्सेप्शन और रिजेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो सिर्फ 1 घंटे का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको SG कॉलेज से BBA के लिए आपके पास आता है कि आप ऑफर आता है, तो अगर आप उस ऑफर को लेना चाहते हैं तो आप उसे 2 बजे आपके पास मैसेज आ जाएगा आपकी एडमिशन फॉर्म पर, उसे जाकर चेक कीजिए और 3 बजे तक उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर आप 3 बजे उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं 3 बजे तक, तो आपके हाथ से वो ऑप्शन जो है वो निकल जाएगा और एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं कल भी इंटीमेशन दूंगी आपको 2 बजे एक्जैक्टली कि प्लीज़ अपने जाकर फॉर्म्स चेकआउट कर लीजिए, या पहले ही दे दूंगी। और आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर, मान लीजिए आपने अगर आपको रिजेक्ट करना है वो ऑफर तो 3 बजे तक आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप नोट दें हैं इन्होंने कि आफ्टर हम ऑफर मान लीजिए मुझे SD कॉलेज का ऑफर अच्छा लगा, मैंने SD कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे को फीस कब पे करनी है? उसी दिन पे करनी है। जैसे ही मैंने ऑफर एक्सेप्ट करा है उसी दिन 18 तारीख के अंदर अंदर पे कर देनी है, 18 तारीख 12 बजे से पहले पहले, राइट? अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। प्लीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल प्रोसेस है ये, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर, जब हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है थर्ड काउंसलिंग वाला, तो जो हमारा पुराना ऑफर था वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बारी आती है कि हमें ऑफर पसंद नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, हमें 3 बजे तक जाकर वहाँ पर अपने फॉर्म से जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर देना है ताकि वो ऑफर दूसरे बच्चों के पास चला जाए जो इंटरेस्टेड हैं DHE के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपने पहले कोई आपका पहले ऑलरेडी एडमिशन हुआ है लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं था और जो अब कॉलेज आया वो भी पसंद नहीं था, तो आपने यहाँ से ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया, तो आपका जो पहले वाला कॉलेज था और आपने उसकी फीस पे कर दी थी तो आपका जो है वही रह जाएगा, आप उसी के अंदर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और थर्ड इन्होंने पॉइंट लिखा है कि जो ये एडमिशन लिस्ट आएगी ये प्रोविजनल होगी और इसके बेसिस पर आप अपना एडमिशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, और जो फाइनल लिस्ट आएगी उसी के बेसिस पर अपना एडमिशन क्लेम कर सकते हैं। इन्होंने ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल लिखा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाई फिर से एडमिशन कमेटी द्वारा। एप्लीकेंट्स कैन नॉट क्लेम एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट।
स्ट्रेंथ. दैट ऑल सिट फॉर टुडे. बात करते हैं हम कल, जैसे ही हमारे पास बच्चों के कॉलेज बेस्ड एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, अपडेट वाले पर भी और जेबी स्टेशन वाले पर भी, दोनों पर आपकी क्वेरीज को एंटरटेन किया जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर कोई भी क्वेरी होगी.